आइए गुजराती लिपि सीखते हैं। हिंदी के जरिए गुजराती को कैसे लिखते हैं यहाँ पे आप वीडियो में देखोगे। जो हिंदी वाली लिपि है वो है देवनागरी लिपि, और जो गुजराती लिपि है वो भी देवनागरी का ही रूप है। आप देखिए जैसे छोटा बन रहा है इसमें हिंदी में, और गुजराती में भी कुछ छोटे आ की जो शेप है वो कुछ कुछ मिलती हुई है, और मात्राओं का रूप बिल्कुल देवनागरी के जैसा ही है गुजराती में भी। और जो ई की आकृति है वो थोड़ी सी डिफर है, ऊ लगभग एक जैसा ही है। इसके बाद आते हैं ए पे। ए की जो आकृति है वो गुजराती में छोटे आ की तरह है, लेकिन उस पर एक मात्रा लग जाती है, जबकि ए में ये चीज़ देवनागरी वाली में थोड़ी चीज़ अलग दिखाई दे रही है। और जो बड़ी ए पे मात्रा दो हैं देवनागरी वाली में, वो गुजराती में भी दो हैं। बिल्कुल कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। ओ में भी देवनागरी और गुजराती में कोई खास अंतर नहीं है, वही साहब बड़ा ओ में छोटी अंग बड़ी अंग। मैंने यहाँ पे जो रि ऋषि वाली है वो दी नहीं है, वो भी लगभग एक जैसी है। जो गुजराती लिपि है वो कई भाषाओं के लिए यूज करते हैं, जैसे कुची भाषा गुजरात में गुजराती भाषा इत्यादि। तो ये हम सीखने के लिए यहाँ पे हम पहले स्वर दे रहे हैं, इसके बाद में हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे।